हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या एक। त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए है विकारी, वी यौगिक, सी विदेशज और डी योगरूढ़। तो बताइए त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी योगरूढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी योगरूढ़। देखिए, आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं, है ना, जो लिंग वचन है ना इन सब के अनुसार नहीं बदलते हैं। क्लियर है? ये विकारी शब्द होते हैं, सॉरी बदलते हैं, ये विकारी होते हैं। यौगिक शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है, उसे यौगिक कहते हैं। और विदेशज किसे कहते हैं? जिनका जन्म विदेश में हुआ। किंतु योगरूढ़ किसे कहते हैं? वैसे यौगिक शब्द जो विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो, है ना, वैसे यौगिक शब्द जो विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो उसे क्या कहते हैं? योगरूढ़ कहते हैं। यहाँ पे बात आ रही है त्रिलोचन को। देखिए, त्रिलोचन में दो शब्द है, एक तो पहला है त्रि और दूसरा है लोचन, है ना। तो योगरूढ़ शब्द कहता है, योगरूढ़ की परिभाषा कहता है कि वैसा यौगिक शब्द जो विशेष अर्थ, तो त्रि का मतलब तीन और लोचन, है ना, अर्थात त्रिलोचन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है जी? शंकर के लिए है ना। त्रिलोचन किसके लिए प्रसिद्ध है? शिव शंभु शंकर के लिए, है ना। त्रिलोचन उन्हीं को कहा जाता है, तीन आँखों वाला अर्थात शंकर, है ना। तो देखिए, ऐसे तो त्रिलोचन में सेम, अगर सॉरी जनरल वे में देखा जाए तो त्रिलोचन का अर्थ होगा तीन आँख, है ना। लेकिन त्रिलोचन किसके लिए ये विशेष अर्थ ग्रहण करता है? क्या? शंकर, है ना। इसलिए त्रिलोचन यहाँ पे क्या है? योगरूढ़ शब्द है। क्लियर है? चलिए प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या दो, हर्षव ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है जी? हर्षव, जरा ऊ बोल के देखिए आप लोग का जो है किस तरह से आपके मुंह का या कंठ का जो है ना पोस्चर कैसा होता है। का ध्वनि का, हर्षव का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या? ऑप्शन ए कंठ, मूर्धा, तालु और ओष्ठ। बताइए ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, ऊ जब हम लोग ऊ बोलते हैं बच्चों, तो हमारा ओंठ जो है क्या हो जाता है? गोलाकार हो जाता है ना। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ। क्लियर है? तो हर्षव ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है जी? ओष्ठ है। अब बात है कंठ, मूर्धा और तालु की, तो मैं आप लोग को बता दूं कंठ से किसका उच्चारण होता है जी? तो कवर्ग का। कवर्ग समझ रहे हो ना, कख ग अंग, है ना। और इसके अलावा आ का उच्चारण होता है किस चीज़ से जी? कंठ से होता है। क्लियर है? मूर्धा का उच्चारण किससे होता है जी? मूर्धा से उच्चारण किसका होता है? टवर्ग का, यानी कि ट ठ ड ढ और न, और रा का भी उच्चारण मूर्धा से होता है। तालु का उच्चारण किससे होता है जी? तो तालु का उच्चारण चवर्ग का होता है। तालु से किसका उच्चारण होता है? चवर्ग का, है ना। और चवर्ग के अलावे हर्षई, दीर्घई और री। क्लियर है? इतना का होता है किससे उच्चारण? तालु से। ठीक है, चलिए लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीन, विस्मित का उपयुक्त अर्थ होगा, विस्मित का उपयुक्त अर्थ होगा, है ना, विस्मित का उपयुक्त क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए हैरान, वी भूला हुआ, सी परेशान, डी बिछड़ा हुआ। विस्मित का क्या अर्थ होगा जी? बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैरान, है ना। विस्मित का अर्थ जो होता है वो एक्चुअल में होता है अचरज, विस्मय, है ना, हैरान, तजुब, गजब, है ना। इसका और भी अगर पर्यायवाची पूछता है तो मैं लिख देती हूँ, अचरज, है ना, आश्चर्य। क्लियर है बच्चों? हाँ, गजब, तजुब, है ना जी, तजुब। भूला हुआ और बिछड़ा हुआ ये दोनों एक ही हैं, है ना। परेशान तो आप लोग समझ ही रहे हैं, है ना। तो विस्मित का अर्थ क्या होता है? हैरान, परेशान, सॉरी हैरान, अचरज, आश्चर्य, गजब, है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या चार, किरपन का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? किरपन का जी, किरपन का विलोम,
ऐसे कृपण का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो कृपण का अर्थ होता है कंजूस, याद रखना। तो बच्चा कंजूस का विलोम, कंजूस का उल्टा क्या होगा? ऑप्शन ए परोपकारी, ऑप्शन बी दानी, ऑप्शन सी भिखारी, ऑप्शन डी स्वार्थी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए कंजूस का क्या होगा जी? दानी होगा, यानी कि कृपण का क्या होगा? ऑप्शन नंबर आंसर बी होगा, है ना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दानी, ठीक है। कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? दानी, है ना। चलिए अब यहाँ पे चार ऑप्शन और दिया हुआ है, सॉरी इसके अलावा, दानी के अलावा तीन ऑप्शन और है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। परोपकारी का क्या होगा जी? परोपकारी, परोपकारी का अपरोपकारी, है ना। भिखारी का क्या होगा? दाता, याद रखिएगा भिखारी का विलोम दाता। स्वार्थी का विलोम परमार्थी, है ना, स्वार्थी का विलोम परमार्थी। भिखारी का दाता, परोपकारी का अपरोपकारी। अगर पूछ दे बच्चों परोपकार का, तो क्या होगा? परोपकार का, परोपकार का होता है बच्चों अपकार, है ना, परोपकार का अपकार। क्लियर है? चलिए गुड, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए मिठास, बी मकड़ी, सी तिलचट्टा, डी तिरछा। विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं, उसे क्या कहते हैं जी? विशेषण कहते हैं, है ना। विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं, यानी कि वो संज्ञा और सर्वनाम से छुटके रहेगा। तो देखो यहाँ पे मकड़ी, तिलचट्टा, है ना, ये दोनों क्या है जी? संज्ञा है, हमें दिख रहा है, और उसमें भी कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक है। क्लियर है? मिठास, मिठास भी अगर आप लोग को पता होगा, मिठास, खटास, बचपना, बुढ़ापा, है ना, ये भी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। किंतु तिरछा, है ना, तिरछा, आड़ा, तिरछा, ऊंचा, नीचा, लंबा, छोटा, मोटा, है ना, ये सारे शब्द क्या हैं बच्चों? विशेषण। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अब देखिए मिठास कौन सा संज्ञा है जी? यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो बच्चों ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक। मकड़ी और तिलचट्टा कौन सा संज्ञा है जी? तो ये जातिवाचक है। क्लियर है जी? ये जातिवाचक है ना। अब बात आती है तिरछा का, तो तिरछा क्या है जी? विशेषण है, है ना, ये स्थितिवाचक विशेषण होगा तिरछा, है ना, स्थितिवाचक विशेषण। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश हुआ है ना? रजनीश शब्द में, रजनीश शब्द जो है किस संधि का उदाहरण है? बताइए रजनीश शब्द किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि या न संधि। बताइए रजनीश शब्द जो है किस संधि का उदाहरण है? मैं इसको एक बार इसका संधि विच्छेद कर देती हूँ। रजनीश का जो संधि विच्छेद होगा बच्चों, वो होगा रजनी जोड़ ईस, है ना, रजनी जोड़ ईस, रजनीश। देखिए यानी कि दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे जी? दीर्घ ई हो रहा है, देख रहे हो, यानी कि दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई, यानी कि एक ही जाति का स्वर जो है मिल करके उसी का क्या बना रहा है? एक ही जाति का स्वर मिल करके स्वर का निर्माण कर रहा है ना, बड़ा स्वर का निर्माण कर रहा है। तो जब हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि अ जोड़ अ आ या आ जोड़ आ आ, दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई दीर्घ ई, है ना, दीर्घउ जोड़ दीर्घउ दीर्घउ, तो ये बच्चों किस संधि का उदाहरण होता है? दीर्घ संधि का उदाहरण होता है ना। दीर्घ मतलब बड़ा, है ना, कि छोटा में बड़ा जुटे या बड़ा में छोटा जुटे या बड़ा में बड़ा जुटे या फिर छोटा में छोटा जुटे, हमेशा क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो ये दीर्घ संधि में होता है, इसलिए दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा। क्लियर है? और गुण संधि में तो हम लोग पढ़े हैं एक पहिया, वृद्धि संधि में दो पहिया ऊपर, गुण संधि में एक पहिया ऊपर, जैसे महेश, है ना जी, सुरेश, ये सब गुण संधि एक पहिया ऊपर ऊपर, वृद्धि में दो पहिया ऊपर, है ना, जैसे परमौषध अ हो गया, परम जोड़ औषध, यन संधि में आधा, जैसे सुजोड़ आगत, क्या हो गया जी? स्वागत,
तो ये हो गया यन संधि का उदाहरण। समझ में आ रही है बात? चलिए ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 7, आप भला तो जग भला, है ना, आप भला तो जग भला कहावत में आप किस सर्वनाम का सूचक है? आप भला तो जग भला कहावत में आप किस सर्वनाम का सूचक है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। बताइए, आप भला तो जग भला, है ना, इसमें आप जो है कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं जी, इसमें ये कौन सा सर्वनाम है? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? जो देखिए, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रकट करता है ना, जो शब्द व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रकट करता है ना, जो स्वयं के लिए कहा जाए बच्चों, वो क्या होता है? निजवाचक का उदाहरण होता है। देखिए निजवाचक सर्वनाम कौन कौन है, इसका मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। सबसे पहला तो आप होगा, क्लियर है, स्वयं होगा, सॉरी, है ना, निजवाचक सर्वनाम का मैं उदाहरण लिख रही थी। सबसे पहले आप, स्वयं, है ना जी, स्वयं के बाद अपना, खुद, खुद के बाद हमारा, है ना, ये सब निजवाचक सर्वनाम के शब्द हैं, है ना, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, ठीक ना, क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 8, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है स्त्रीलिंग है? सबसे पहला ऑप्शन है तबला, फिर है तालाब, तराजू और तूला, है ना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तूला। इसका राइट आंसर क्या होगा? तूला, है ना। देखिए तबला, तालाब और तराजू, ये तीनों जो हैं पुल्लिंग है, तीनों कौन सा लिंग है जी? पुल्लिंग है, ठीक है, जबकि तुला स्त्रीलिंग है। आप लोगों को पता होना चाहिए तुला का मतलब क्या होता है। ऐसे एक तुला का मतलब तो तराजू भी होता है, तो आप लोग बोल रहे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर उसका पर्यायवाची मतलब वो शब्द जो है खुद पुल्लिंग है तो उसका पर्यायवाची भी पुल्लिंग हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आँख, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं आँख स्त्रीलिंग है, लेकिन तो नेत्र क्या है? पुल्लिंग है, है ना। तो तुला, तुला राशि का नाम है जी, और जितनी भी राशि का नाम है मोस्ट ऑफ उसमें क्या है, क्या है जी? स्त्रीलिंग है, क्लियर है। तो तबला, तालाब और तराजू, ये तीनों पुल्लिंग है, जबकि तुला क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 पर, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, है ना, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए चांदी, चील, चांद और चौखट, है ना, इसमें पुल्लिंग शब्द क्या है जी, बताइए। इसमें पुल्लिंग शब्द क्या है? बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? चांदी, चील, चांद या चौखट। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, चांद, क्योंकि चांद ही है जो पुल्लिंग है। बाकी इसके अलावा चांदी, चांदी स्त्रीलिंग, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी धातु के नाम हैं सदैव पुल्लिंग होते हैं, किंतु चांदी एक ऐसी धातु है जिसका जो क्या है? स्त्रीलिंग है, ना, चांदी उजली होती है लेकिन सोना पीला होता है, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। चील, चील भी पुल्लिंग है, है ना, सॉरी, चांदी, चील और चौखट, ये तीनों बच्चों स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है जी? स्त्रीलिंग है, ठीक है, जबकि चांद क्या है? पुल्लिंग है, चांद क्या है? पुल्लिंग है।
बच्चों हमारा 10वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है ना। अटकन वटकन खेलना है ना, बचपन में खेलते ना अटकन वटकन दही चटामट, यही पूछ रहा। अटकन वटकन खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बेकार बैठे रहना, व्यर्थ का कार्य करना, कागज काला करना, डी है बेतुकी बातें करना। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। अटकन वटकन खेलना, बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है ना, व्यर्थ का कार्य करना है ना। जब हम लोग व्यर्थ में बैठे हुए रहते हैं, बेकार ऐसी फ्री में बैठे हुए रहते हैं, तो हम लोग ये अटकन वटकन खेलते हैं ना, इसीलिए कहा गया अटकन वटकन खेलना मतलब व्यर्थ का कार्य करना। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 11, हाल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाल, एक्चुअल में बताऊं तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही प्रीवियस में करवा चुकी हूँ है ना, प्रीवियस क्लास में मैं ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्वर्ग के लिए, हलंत के लिए, विसर्ग के लिए या व्यंजन के लिए? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है ना, व्यंजन के लिए। मैं बता चुकी हूँ कि इसका राइट आंसर होगा व्यंजन के लिए। हलंत जो है व्यंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। जब किसी वर्ण में हलंत लग जाता है तो समझो कि वो वर्ण है ना, हलंत जब, और जब वही हलंत हट जाता है तो वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है बच्चों? व्यंजन हो जाता है ना। तो हलंत शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? व्यंजन के लिए प्रयोग किया हल शब्द है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। प्रश्न संख्या 12, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है? निम्नलिखित में से कौन महाप्राण है जी? ऑप्शन ए में है क, ख, ग और अंग है ना। चलिए चारों ऑप्शन में से कौन महाप्राण है? जिन बच्चों को महाप्राण की परिभाषा नहीं पता मैं उनको बता दूं कि वे वर्ण जिन्हें बोलते समय मुख से अधिक वायु प्रवाह निकलती है ना, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय मुख से है ना अधिक वायु प्रवाह निकलती है जी, अधिक वायु निकलती है ना, उसे महाप्राण कहते हैं। तो बताइए ये कौन हो सकते हैं? और मैं बता दूं महाप्राण की टोटल संख्या जो होती है बच्चों 15 होती है। महाप्राण की कुल संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और ये प्रत्येक वर्ग का बच्चों है ना, जैसे 5 वर्ग है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो प्रत्येक वर्ग का सेकेंड है ना, सेकेंड और फोर्थ वर्ण होता है, यानी कि सेकेंड और फोर्थ। तो बताइए इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी भी वर्ग का सेकेंड या फोर्थ महाप्राण होता है, क्योंकि उसको बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, इसीलिए इसको महाप्राण कहा गया है। सोचने की वाली क्या बात है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जब आप सेकेंड बोल ही रहे हो तो क ख ग का सेकेंड क्या होगा? ख होगा है ना, फोर्थ तो दे नहीं रखा है, फोर्थ घ होता है। क्लियर है? समझ में आ रही है? क ख ग और तो ख है ना, ख और घ होगा। छ छ में क्या होगा जी? छ और झा होगा। ठ ठ में क्या होगा जी? ठ और ढ होगा है ना। तथा तथा में क्या होगा जी? थ और धा होगा है ना। पफ भ में क्या होगा जी? फा और भ होगा। क्लियर है? और एक होता है तालव श और एक मूर्धन्य श। ये इतने जो मैं लिखी हूँ बच्चों ये महाप्राण है। टोटल 15 हो गया, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 है ना जी। इसके अलावा और कौन कौन है जी? इधर 10 और इधर 2 12 है ना, हो गया ना, एक 12 और एक पाफा हो गया जी 14। क्लियर है? ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? महाप्राण हैं। समझ में आया? और आल प्राण की संख्या कितनी होती है? देखो श्वास वायु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया वर्ण को, एक महाप्राण और एक आल प्राण। तो महाप्राण की संख्या 15 है जबकि अल्प प्राण की संख्या 20 है। अल्प प्राण की संख्या कितनी बच्चों? 20 है। ठीक है, चलिए इसका अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, अनल का उपयुक्त अर्थ क्या होगा?
है ना। अनल जो है किसका पर्यायवाची है जी, अनल बताइए, अनल किसका पर्यायवाची है, अग्न, पवन, वन या पर्वत का। बच्चों इसका राइट आंसर होगा अग्नि, है ना, क्योंकि अनल का अर्थ होता है अग्न, है ना। अग्न का और क्या क्या होता है पर्यायवाची जी, पावक, है ना, दहन, ज्वाला होता है, मैं लिख दूँ यहाँ पे, पावक, दहन, ज्वाला, ये सब किसका है जी, अग्न का है। पवन का पर्यायवाची क्या होता है जी, पवन का पर्यायवाची होता है हवा, वायु। समीर, वन का पर्यायवाची क्या होता है जी, जंगल, अरण्य। लिख लो फटाफट लिख लो, पर्वत का हिमालय, गिर, पहाड़, इसका तो पता ही होगा ना, पर्वतराज, पहाड़, ये सब होता है किसका, पर्वत का। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, द्रव्य का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। द्रव्य का उपयुक्त अर्थ क्या होता है, मतलब द्रव्य जो है ना, उसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा। यहाँ पे द्रव्य लिखा हुआ है बच्चों, द्रव नहीं लिखा हुआ है, ध्यान देना, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव, समझ में आया। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्चुअल में द्रव्य लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए है तरल पदार्थ, बी पेय पदार्थ, सी खाद्य पदार्थ, डी धन। बताइए द्रव का अर्थ क्या होगा। कितने बच्चे लिख रहे हैं तरल पदार्थ, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ। जी नहीं बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धन, है ना। द्रव्य का मतलब होता है धन, है ना, और ये द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ, पेय पदार्थ। ठीक है, इस द्रव का मतलब होता है लिक्विड, है ना, LIQUID लिक्विड यानी द्रव, जबकि ये द्रव्य जो है धन को कहा जाता है। धन मतलब जैसे कि कोई सिक्का हो ना, रुपया पैसा, तो ये यहाँ पे धन आ गया, द्रव्य। क्लियर है बच्चों, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 15, किरपन का उपयुक्त विलोम शब्द छाटिए। किरपन का उपयुक्त विलोम शब्द छाटिए, पहले मैं बता दूँ किरपन का अर्थ क्या होता है जी, तो किरपन का अर्थ होता है बच्चों कंजूस, है ना। अब तो ये प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ, हाँ जी हाँ, मैं ये प्रश्न करवा चुकी हूँ बच्चों, शुरू में ही करवा चुकी हूँ। तो अब कंजूस का उल्टा क्या होगा, परोपकारी, दानी, भिखारी या स्वार्थी, बताओ। बता चुकी हूँ इसलिए मैं तुम ही लोग से पूछूंगी, है ना। इसका राइट आंसर होगा बच्चों दानी, है ना, कंजूस का विलोम क्या होता है, दानी, है ना। भिखारी का क्या होता है, स्वार्थी का क्या होता है, परोपकारी का क्या होता है, ये तुम लोग को लिख के लाना, ये तो आप लोग का SW है, क्लियर है। हर एक दिन आप लोग 10 से 15 विलोम शब्द, 10 से 12 पर्यायवाची शब्द याद करो, है ना, जितना ज़्यादा याद करोगे उतना फ़ायदेमंद होगा।